नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, खेती के नए तरीकों के बारे में जानने की इच्छा सबको होती है, चाहे वो किसान हो फिर या कोई आम इंसान हो। और आए दिन टीवी पर या अखबार में आप कुछ नए शब्द सुनते ही रहते हैं, जैसे प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, बायोडायनेमिक खेती। और ये सुनकर हम यही सोचते हैं कि क्या खेती के इतने सारे प्रकार होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके सारे दुविधाओं को दूर कर दूंगा और आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, खेती सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक जैविक और दूसरा रासायनिक। अब जो आप शब्द सुनते हैं जैसे प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती या बायोडायनेमिक खेती, जीरो बजट खेती, यौगिक खेती या गौ आधारित खेती, ये सभी खेती के तरीके जैविक खेती के ही एक प्रकार हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जैविक खेती इन सभी खेती के प्रकारों का एक संगम है। दोस्तों, खेती को दो ही मुख्य भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि दो ही तरीके मुख्य होते हैं पौधे को पोषक तत्व देने के लिए। यानी पौधे को पोषक तत्व या तो आप रासायनिक विधि से दे सकते हैं या फिर आप जैविक विधि से दे सकते हैं। अब रासायनिक विधि में तत्वों को रिएक्शन कराकर पानी से या किसी अन्य चीज से उसको चार्ज स्थिति में उसके लाया जाता है, क्योंकि पौधा सिर्फ चार्ज स्थिति के ही तत्वों को ले सकता है, पौधा सीधे तत्वों को नहीं ले पाता। और जैविक खेती में ये काम जीवाणु करते हैं और इसीलिए ऑर्गेनिक खेती में जीवाणुओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, जीवाणुओं को उनके गुण के हिसाब से बांटा गया है, जैसे नाइट्रोजन को चार्ज करने वाले जीवाणु, फास्फोरस को चार्ज करने वाले या पोटाश को चार्ज करने वाले या जिंक या अन्य तत्वों को चार्ज करने वाले। अब जो नाइट्रोजन को चार्ज अवस्था में बदलते हैं वे कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, और भी कई सारे नाम हैं जो मैं बता सकता हूं, लेकिन मुख्यतः ये चार बैक्टीरिया जाने जाते हैं और आपको ये बाजार में इनका घोल मिल भी जाता है आसानी से। उसी तरह फास्फोरस को चार्ज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं सिडोमोनास होते हैं, बैसिलस या माइक्रोकोकस भी होते हैं, और ये सभी एक साथ पीएसबी के नाम से आते हैं, मतलब फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। उसी तरह पोटाश को चार्ज करने के लिए पोटाश बैक्टीरिया काम करता है और जिंक को चार्ज करने के लिए ZSB आता है, मतलब जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। यहाँ तक कि जैविक खेती में फफूंदी जनक रोगों के लिए भी कई सारे बैक्टीरिया इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे हे बेसिलस बैक्टीरिया पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा आपका बीज शोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, जैविक खेती में हम फफूंद भी इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम। ये फफूंद कई सारे कीटों पर काफी अच्छा असर करते हैं, चाहे वो कीट छोटे हों, रस चूसक की कैटेगरी में आते हों या कोई बड़े कीट हों। और इसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रकृति ने हम सभी को कुछ स्पेशल गुण दिए हैं, जैसे नीम को कड़वापन दिया है, आम को मीठापन, तो इमली को खट्टापन दिया है। और जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत ही यही होता है कि इन गुणों को पहचानो और खेती में ऐसा इस्तेमाल करो कि जिससे खेती की गुणवत्ता और पैदावार दोनों अच्छे हों। और हमारे देश में जैविक खेती का मुख्य आधार गाय को माना जाता है। इससे मिलने वाले सभी उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, सभी को अमृत का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों, जैविक खेती को पिछड़ा तरीका समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैविक खेती के विज्ञान के रहस्य रासायनिक खेती से भी ज्यादा जटिल हैं। और ऐसे ही खेती के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं। जैसे रासायनिक खेती में DAP यूज होता है, यूरिया इस्तेमाल करते हैं, पोटाश इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार जैविक खेती में भी अलग अलग घोल तैयार किए जाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग चीजों से बचने के लिए या अलग अलग पोषक तत्वों को पौधे को देने के लिए। लेकिन घोलों के बारे में जानने से पहले एक सावधानी जान लीजिए। दोस्तों, जैविक खेती में जितने भी घोल बनाए जाते हैं वे सीधा पौधे की जड़ पर नहीं देना चाहिए। हालांकि बहुत सारी मानी जानी हस्तियां इस बात को कहती हैं कि आप सीधे घोल को पौधे की जड़ पर दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि अगर आप जड़ों के आसपास देते हैं, मतलब अगर जस्ट बगल में देते हैं या सीधे जड़ पर देते हैं, तो उसमें से कई फफूंदी जनक समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि ये जितने भी घोल हैं इनको बनाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो इसको सड़ाकर बनाया जाता है या तो इसको उबालकर बनाया जाता है। उबालकर बनाई गई दवाओं में वो दिक्कत उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो भी दवाएं सड़ाकर बनाई जाती हैं उसमें ये दिक्कत मुझे देखने को कई बार मिली है कि कई सारी फफूंदी जो हमारे मित्र फफूंदी नहीं होती हैं या कई सारे बैक्टीरिया
जो अच्छे नहीं होते हैं वे पौधों पे भी अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप जैविक खेती तुरंत अभी शुरू कर रहे हैं और आप अभी तक रासायनिक खेती कर रहे थे तो आपको सामान्यतः जैविक घोलों को खेत के बीच में देना चाहिए जहां पौधे नहीं लगे हैं, या फिर मेड़ों के किनारे दे सकते हैं अगर पूरी फसल लगी हुई है। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनको पानी चलाते समय देना चाहिए। अगर पानी चलाते समय आप उस पानी में मिलाकर जैविक घोलों को देते हैं तो ये पूरे खेत में एक बराबर फैल जाते हैं। जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण घोल होता है जीवामृत। इसमें कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे एजोस्पिरिलियम, पीएसबी, सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा और कई सारे असंख्य बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसमें इसके साथ एनपीके की भी कुछ मात्रा होती है और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। और इसका सबसे अच्छा परिणाम सिंचाई के साथ ही मिलता है। हालांकि इसका आप स्प्रे भी पौधे पे कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको इसकी मात्रा कम ही रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अगर एक टंकी ले रहे हैं तो उसमें बड़े पौधों के लिए 200 ml और छोटे पौधों के लिए लगभग 50 ml प्रति टंकी इस्तेमाल करना चाहिए नर्सरी पर। दोस्तों जैविक दवाओं की एक खासियत होती है कि समय के साथ लगातार जैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधा इनके हिसाब से ढल जाता है। और एक बार ये पौधा इनके हिसाब से ढल जाता है तो आप ये मात्रा धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब जीवामृत की तरह ही मिट्टी की ताकत बढ़ाने के लिए और भी कई सारे घोल हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे संजीवक, घन जीवामृत, पंचगव्य, समृद्ध पंचगव्य, समृद्ध अमृत घोल या अमृत पानी। ये जितने भी तरीके होते हैं इन सभी में एक मुख्य काम किया जाता है, वो होता है जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना। जैविक खेती में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने पे इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि जीवाणु ही मुख्य आधार होते हैं मिट्टी को सजीव बनाने के लिए। अब ये जीवाणु पौधे से एक तालमेल बना लेते हैं। तालमेल मतलब ये जीवाणु पौधे के जड़ों के इर्द गिर्द होकर पौधे से खाना लेते हैं और एक तरीके से पौधे को खाना देते हैं। ये आपसी लेन देन की जो प्रक्रिया होती है इसी को जितना आप अच्छा बना लिए जैविक खेती में उतना ही अच्छा आपका पौधा चलता है। क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए अच्छे बैक्टीरिया आपकी जड़ों के आसपास उन्होंने अपनी एक परत बना ली तो फिर वो किसी खराब बैक्टीरिया या दूसरे किसी फफूंद को या किसी और चीज को जड़ों के आसपास नहीं आने देते हैं। तो ये मिट्टी में से जो खनिज पदार्थ होते हैं उसको ये खोदने का काम करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पौधे की जड़ों को पोषक तत्व तो पहुंचाने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीके से काम ये जीवाणु ही करते हैं। और ये प्रकृति का जो संतुलन पौधे और जीवाणुओं के बीच में बनता है अगर ये आपने स्थापित कर लिया है तो आप कोई भी खेती करिए आपकी खेती सफल होनी ही होनी है। पौधा अपने आप में इतना शक्तिशाली हो जाता है, रोग से प्रतिरोधक हो जाता है कि उसमें ना तो किसी दवाई की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी दुआ की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं जैविक कीटनाशक और फफूंदी नाशक के बारे में। जैविक में नीमास्त्र का प्रयोग बचाव के लिए जनरली तौर पर किया जाता है, यानी अगर आपने कोई भी फसल जैविक तरीके से लगाई है तो हर हफ्ते नीमास्त्र का स्प्रे ले लें। नीमास्त्र का इस्तेमाल जैविक खेती में बचाव वाली दवा के तौर पे किया जाता है। अगर आप हर हफ्ते नीमास्त्र का एक स्प्रे लेते रहेंगे तो कीट सामान्यतः लगते ही नहीं है, लेकिन अगर कीट आ भी जाए किसी कारण से तो अग्नियास्त्र और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नियास्त्र मुख्यतः पत्ती लपेटा, तना छेदक, फल छेदक और सुंडी जैसे कीटों पर काम करता है और ब्रह्मास्त्र का लगभग सभी कीटों पर काम करता है। दोस्तों जैविक खेती में जितने भी ये घोल होते हैं, जो दवाएं होती हैं, ये एक तरीके से विषैले पत्तियों का रस होता है और उसके साथ गोमूत्र का मिश्रण कह सकते हैं इसको। इसी तरह फफूंदी और वायरस से बचने के लिए नारियल छाछ घोल और कॉपर छाछ घोल का भी मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब जैविक विधि में दोस्तों केचुए को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और मिट्टी में इनकी तादाद बढ़ाने के लिए हमेशा जोर दिया जाता है। गोबर की खाद भी डालने का मुख्य कारण केचुआ ही होता है, क्योंकि गोबर एक चुंबक की तरह काम करता है आसपास की मिट्टी में से केचुओं को अपने तरफ खींचने के लिए, और गोबर की खाद में भी केचुए की मात्रा अच्छी होती है। दोस्तों केचुआ मिट्टी को भुरभुरा करता है और हर दिन में अपने वजन के बराबर कच्चा ऑर्गेनिक पदार्थ खाकर लगभग 1/4 खाद तैयार कर देता है। यानी सीधी भाषा में अगर समझे तो 4 किलो केचुआ रोज 1 किलो खाद तैयार कर देता है, और इसलिए इसे जैविक खाद बनाने वाला प्राकृतिक कारखाना भी कहते हैं।
करते हैं। इसके अलावा जैविक खेती में फसल अवशेष और हरी खादों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, जीवाणु इसको तोड़ते हैं और पौधे को पोषक तत्व देते हैं। इसके अलावा भी कई विधियां हैं, जैसे नाडेप कंपोस्ट, फॉस्फो कंपोस्ट, नॉर्मल कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, इन तरीकों से भी खादों को सड़ाकर बनाया जाता है। दोस्तों, जैविक खेती रासायनिक खेती से सस्ती होती है, अच्छी होती है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं होती। अभी तक मैंने आपको जितने भी रसायन बताए हैं, अगर आपने इनको आज तक नहीं बनाया है तो शुरुआत में इनको बनाते समय जो गंध आती है उससे एक आम इंसान को परेशानी होना तय है। अगर आपको इन गंधों की आदत नहीं है, गोबर की, गोमूत्र की, इन सारी चीजों की, तो आप चाहें तो जैविक कल्चर से भी शुरुआत कर सकते हैं जो मार्केट में पहले से आते हैं। इफको का जैसे राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, कंसोर्टिया, ये सारे जैविक कल्चर आते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उतना ही अच्छा काम करते हैं जो आपकी जैविक विधि से तैयार किए गए घोल करते हैं। और एक बार आप इन जैविक कल्चर को इस्तेमाल करने लगेंगे, जैविक तरीकों में से कुछ तरीकों को ही अगर आप इस्तेमाल करना आपने शुरू कर दिया, तो इसके फायदे देखकर आप अपने आप ही और तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, खेती का एक तरीका अच्छा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि दूसरा तरीका खराब है। और ये समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। दोस्तों, 1960 के आसपास हमारे देश में इतना अनाज भी नहीं पैदा होता था कि हमारे देश के लोग भी भरपेट खाना खा सके। और आज की स्थिति आप खुद जानते हैं, हम दूसरे देशों का पेट भर रहे हैं। तो ये जो बदलाव आया है ये सिर्फ रासायनिक खादों की बदौलत ही आया है, और हरित क्रांति में इन रासायनिक खादों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और इन रासायनिक खादों ने खेती को एक नीचे स्तर से उठाकर आज हमारी अर्थव्यवस्था का उसको एक स्तंभ बना दिया है, और कोरोना जैसी हालत में भी ये स्तंभ बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, दिक्कत दवाओं में नहीं है, हमारे इस्तेमाल करने के तरीकों में है। जैसे उदाहरण के तौर, अगर आप अंतिम में जब फसल पकने वाली है तब सिस्टमिक कीटनाशक या सिस्टमिक फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में उसका अंश आना तय है। तो इस तरह के गलतियां अगर हम ना करें तो फसलों में जहर थोड़े मात्रा में जाएगा। और मैंने दोनों तरीकों को खुद इस्तेमाल किया है। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं, सारे लोगों को जैविक विधि से ही खेती करनी चाहिए। दोस्तों, जैविक विधि से खेती करने का मतलब एक उदाहरण से समझिए कि आपके पास कार है लेकिन आप धूप में ही चलकर जा रहे हैं अपने ऑफिस। क्यों? क्योंकि आपको सेहत बनानी है, और ये चीज हर किसी के लिए संभव नहीं है। हर कोई अपनी सेहत बनाने के लिए कार को छोड़कर पैदल नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर संभव है कि हम जैविक और रासायनिक विधि को मिलाकर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, कुछ इस प्रकार से नया विधि कुछ तैयार करें जिसमें हमारे पौधों की गुणवत्ता भी बनी रहे, जो हमारे उत्पाद है उनकी भी गुणवत्ता बनी रहे और मिट्टी की भी हमारी गुणवत्ता बनी रहे। और इसका एक छोटा सा तरीका मैंने खोजा है, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कितना सफल है या नहीं सफल है, लेकिन ये एक मेरा अनुभव है तो मैं आप लोग के साथ इसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने कई फसलों में ट्राई किया है कि अगर आप मिट्टी में जैविक तरीके से खाद दीजिए और रासायनिक खादों को सिर्फ आप स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, तो एक इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब ये मेरा भ्रम है या सच्चाई है, इस पे तो रिसर्च होगी और तभी पता चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।